नमस्कार, मैं जितेंद्र बढ़ाना जीते भाई, पार्षद फरीदाबाद नगर निगम। साथियों, आज मेरे पास कम से कम भी 500 से 600 लोग मेरे पास आए जिनके बीपीएल कार्ड बना हुआ था और सरकार ने वो बीपीएल कार्ड के लिस्ट से उनका नाम काट दिया। और मतलब अब क्या मैं उसको कह सकता हूँ कि सरकार का जब चुनाव में ये था कि हर वर्ष जो है बीपीएल कार्ड बनाने का काम होगा, उल्टा बीपीएल कार्ड बनाने की बजाय जो लोग पहले से बीपीएल में शामिल हैं उनके नाम काट दिए गए। फैमिली आईडी कार्ड जो बनाया है उसमें लोगों ने 70,000 से 1,00,000 के बीच में अपनी फैमिली इनकम दिखाई है। जिन लोगों ने 70,000 से 1,00,000 के बीच में अपनी इनकम उसमें डाली है उनका एकाएक पता नहीं कौन से रिकॉर्ड से उनका 4-4, 5-5 लाख रुपये उसकी जो है इनकम बना दी है। और 4-5 लाख रुपए इनकम डालकर उनका जो है गरीबी रेखा के जो बीपीएल कार्ड थे वो काटने का काम किया है। और यहाँ तक कि देखिए, मजे की बात यह है, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनकी भी 1-1 लाख, 1.5-2 लाख रुपए उनकी इनकम दिखा दी है। ये तो सरकार का सीधा सीधा मकसद है कि जो गरीब लोगों को सहायता सरकार के द्वारा दी जाती है उसे काटने का एक माध्यम बनाया है। बल्कि होना ये चाहिए, अगर कोई उस बीपीएल की उसमें कैटेगरी से अगर नहीं आता है और उसकी इनकम ज़्यादा है तो उसको नोटिस देना चाहिए, नोटिस देके और उसको बुलाना चाहिए, उसको अपना पक्ष रखने का उसको समय देना चाहिए। और सही मायने में ही अगर वो बीपीएल के अंदर नहीं आता है तो उसका काट देना चाहिए, मैं उसमें बिल्कुल समर्थक में हूँ। परंतु जो लोग बीपीएल की कैटेगरी में आते हैं जिनकी इनकम जो है 70,000, 80,000, 90,000, 1,00,000 रुपये वार्षिक है, वो तो बीपीएल की कैटेगरी में आते ही हैं, तो और उनके बीपीएल कार्ड काटने से आप क्या जाहिर करना चाहते हो? आज पूरे हरियाणा के अंदर बहुत बुरा हाल है। फरीदाबाद तहसील के अंदर, कोर्ट के अंदर आप जाके देखिए, लोग मारा मार है, इधर से उधर परेशान हैं, लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारे पास भी आए लोग, 500-600 लोग आए कि साहब हमारे जो है बीपीएल कार्ड जो है बना हुआ है और ये देखिए मैसेज हमारे पास आया है। तो मैं बस माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया इसे अपने संज्ञान में लेके और इसे दोबारा से देखें, जो सही मायने में बीपीएल कैटेगरी में आते हैं उनका कार्ड नहीं काटा जाए। धन्यवाद।